अरे तू क्या है? बस बढ़िया। और सुना? बस ठीक हो यार, कुछ काम चल रहा था। काम बता यार, कुछ पैसों की जरूरत। पैसे कितने? वही 20,000 रुपये दे। 20,000? यार तुझे तो पता है इस कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगातार बिजनेस सारे बस सब गए यार। 1,000-1,000 रुपये के लिए तरस रहे आज। वो तो है, पैसे नहीं है यार। यार देख ले, हो जाते हैं तो ठीक है। मैं यार अगर होते तुझे मना ही नहीं करूँ था। चल कोई नहीं, पैसे की तो बाद में देखने। चल घर चलते, चाय पानी पी। हाँ घर जा। हाँ भाई जोली बैठा। और बस। अरे पूजा जी पानी लेके आओ। यार पैसे ना सको तो पता ही तुझे, पैसे कहाँ है आजकल, बहुत समस्या हो रही है यार। यार कुछ काम था इसलिए मांग रहा था। अरे यार पैसे वैसे कहाँ है, ले पानी पी। यार वो माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पैसे कितने चाहिए तुझे? वो यार 10-20 हज़ार की जरूरत है। 50,000 ले, दिक्कत क्यों है? फोन, वो फोन पे नंबर तुझे पता ना है मेरे नंबर की, उसी पे करने। एक घंटे में ही पहुंच जाने। अच्छा यार फिर आऊं मैं, अभी चल रहा हूँ। कुछ खा के जी? नहीं बस चलता हूँ यार, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। हैं अजोली भाई, हो गया इंतजाम? कितने का? 50,000 का। बस में 10 मिनट में आया। अरे पूजा। हाँ? मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त आया था ना। अच्छा। हाँ 50,000 का इंतजाम कर दिया उसने। बस अपने बिजनेस फिर से खोलेंगे, मैं लेके अभी आया। ठीक है। अरे माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और नाश्ता तैयार है, आपको पूजा दे देंगी। और अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, ध्यान से लाना। पूजा जी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे ये दूध तो पीते जाओ पहले। ठीक है माँ का ख्याल रखना। ठीक है। माँ जी उठिए नाश्ता कीजिए। अरे नहीं बेटा हो गया। माँ जी एक चम्मच, बस एक चम्मच। तू नहीं मानेगी। नहीं खिला। ये हुई ना मेरी मर्जी वाली बात। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा मोहित बेटा और पूजा बहू हर जन्म में मुझे मिले। मेरी भी यही इच्छा है माँ जी कि आप जैसी माँ जी मुझे हर जन्म में मिले। ये तो सब ऊपर वाले के खेल हैं बेटे। अच्छा माँ जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? बेटे मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, और जो तुम्हें जो खाना है बना लेना। ठीक है माँ जी। ठीक है बेटा। कब आएंगे? आगे
अरे पूजा कहाँ जा रही? अरे माची के लिए पानी लेके जा। कोई नहीं, पानी में पिला दूंगा, तुम और काम दे। माँ वो पानी पी। अरे तू जान दे बेटा, मेरे को पूजा ला देती, तू क्यों परेशान हो रहा है? पूजा कुछ काम कर रही है। बेटा तू और बहू मेरी कितनी सेवा करते हैं। माँ ऐसी बात क्यों करती हो, ये तो मेरा फर्ज है, आपका बेटा ना हूँ मैं। बेटा कुछ फर्ज तो मेरा भी था, लेकिन क्या करूँ, इस बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तेरे जैसा होनार बेटा हर माँ को दे भगवान। माँ तुम्हारे जैसी माँ भगवान सबको दे। माँ मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ। नहीं बेटा तू आ रहा थकाया है, जाके आराम कर ले। अरे नहीं माँ दबा दो थोड़ी सी देर। अरे तू जा आराम कर ले जा। माँ मेरे बहू बेटे कितने अच्छे हैं, भगवान इनको हमेशा खुश रखे। माँ आज मैं ऑफिस तो जा नहीं रहा हूँ, मेरा कुछ खास काम है, अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ मैं, और कुछ सामान चाहिए तो पूजा को बोल देना, ठीक है माँ? एक मिनट बेटा रुक, मुझे बिठा दे। हाँ हाँ उठो, ठीक है माँ मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। मोहित जी, वो मोहित नहीं है? नहीं वो तो आपके पास गए हैं, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं हुआ, पर हो सकता है। ये क्या? अब कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। पूजा 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 बेटा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे कौन है बोल क्यों नहीं रहा? पूजा 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 बोल क्यों नहीं रही, कौन है? हे भगवान ये कौन से दिन दिखा रहा तू, मोहित घर पे नहीं है और ये पूजा क्या कर रही है, कौन है? हे भगवान ये दिन देखने से अच्छा था तू मुझे उठा ले। बाय बाय। ठीक है अरे पूजा कहाँ जा रही हो? जी वो मैं माजी को सेब खिलाने जा रही हूँ। ला मुझे दो मैं खिला। ठीक है। हाँ लो सेब खाओ। हाँ ये लो। माँ क्या सोच रही हो? बेटा
वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बताओ ना माँ। वो ना पूजा के चाल चलन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहे। क्या बात कर रही हो माँ, तुम होश में भी हो? बेटे मैं गलत नहीं बोल रही, एक आदमी आता है अपने घर पे पूजा के पास और वो कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं और मैं सुनती रहती हूँ। मैं उठने की बहुत कोशिश करती हूँ बेटे, मेरे से नहीं उठा जाता, मैं बड़ी मजबूर हूँ, क्या करूँ, अपने घर को बचा ले तू, नहीं तो तेरा घर बिखर जाएगा बेटे, तेरी माँ तेरे को सच बोल रही है। माँ तुम ऐसी बात कर रही हो पूजा के बारे में, इन बातों पर मुझे यकीन ना हो कतई। मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझ पे यकीन नहीं करता। अरे बेटे मैं तेरा बुरा नहीं चाहती। माँ पूजा की तो तुम इतनी बढ़ाई करती थी, अचानक तुम्हें हुआ क्या? बेटे मैं पूजा पे भरोसा करती थी, विश्वास करती थी, लेकिन इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं? पूजा पूजा कहाँ थी? बाहर थी। कौन आता है घर में? यहाँ कौन आया? माँ बता रही थी। तुम्हारी माँ को तो मुझसे पता नहीं क्या तकलीफ है, इतनी सेवा करती हूँ उनकी, फिर भी पता नहीं उनको क्या लगता है कि मेरा किसके साथ अफेयर है। मतलब माँ झूठ नहीं बोल सकती? तो इसका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो तुम मुझे घर से निकाल देना, अगर लग जाए पता कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बात करते हैं। पूजा जी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ काम से आज, तो मैं लेट लौटूंगा। लेट? कितना लेट? ऐसे 9-10 बज जाएंगे। थोड़ी जल्दी आ जाना ना। 9-10 बजे, 10 बजे से पहले तो आ ही नहीं सकता, कुछ काम है मेरा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हेलो, हाँ ये चले गए, आप जल्दी आ जाओ। अरे सुनो मैं आ गया। वो कहाँ गया है तुम्हारा हस्बैंड? अरे आज कह के गए हैं कि लेट आएंगे 9-10 बजे तक। अच्छा। अच्छा तो ये तेरी ये सब कर दूँ तुम्हें? तेरी पकड़ सारे हो, पकड़ मार दूँगा छाँव से। माँ माँ जान से मार दूंगा तुझे। अच्छा मां इसे तो जान से मार दूंगा मैं। अच्छा मां तू छोड़ इसे, गला दबा दूंगा इसका। मुझे माफ कर दो जी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इनको आप कहिए ना मुझे माफ कर दे। माँ जी चल। मुझे माफ कर दीजिए, जान से मार दूंगा। बेटे इसे छोड़ दे, अरे गलती इंसान से ही होती, इससे भी गलती हो गई, छोड़ दे बेटे। अरे माँ इसने मुंह दिखाने लगी नहीं, छोड़ा नहीं इसे, मैं आज मारूंगा तुझे, मेरी कसम छोड़ दे इसको, छोड़ दे। देख बेटे इस बार तो मैंने तेरे को बचा लिया, आगे से कुछ भी ऐसे मत करना जो हमारे घर की इज्जत चली जाए। इज्जत गमाने में और कमाने में बहुत टाइम लगता है, ध्यान रखना बेटा इस घर की इज्जत का, खास करके ध्यान रखना। जी माँ। माँ
तभी मोहित अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ अपने पैरों पर खड़ी है। मोहित बहुत खुश होता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है। मोहित को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पूजा उसे रोकती है। अरे सुनो जी, ये कोई आपके दोस्त नहीं है, ये एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और ये हम दोनों की ही प्लानिंग थी। इन्होंने मुझे बताया था कि माँ जी किसी दवाइयों से नहीं ठीक होंगी, इनको शॉक देना पड़ेगा। इट मीन्स मेंटली शॉक, किसी झटके से ये ठीक हो सकती है। तब हमने ये प्लान बनाया था। उनके पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या चक्कर है, उनके पैरों की जो नसें हैं ना, बहुत ज्यादा ब्लॉक हो चुकी है। अब या तो उनका ऑपरेशन करें, लेकिन ऑपरेशन हम इसलिए नहीं किया है कि हमें दूसरे डॉक्टर ने बताया उनके शरीर में बहुत कमजोरी है, लेकिन बस केवल एक इलाज है। क्या? वो ये है कि उनको बहुत ही भयंकर तरीके का शॉक दिया जाए, दर्द दिया जाए, जिससे दूर होकर खड़े होकर वो अपने पैरों को खुद चल सके। तो इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए तो कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। माँ जी, मेरा इनके साथ कुछ नहीं है, ये सब आपको ठीक करने के लिए था। बहू मुझे माफ कर दे, तूने मेरे बारे में इतना सोचा और मैंने तेरे बारे में बहुत गलत सोचा। नहीं माँ जी। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। फिर क्या है, इनके पैरों की नसें जो है ब्लॉक हो गई थी, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉक देने से ही इनके पैरों की नसें खुल सकती थी। अभी ये क्योंकि बुजुर्ग है, इसलिए मुनासिब नहीं था कि हम ऑपरेशन करते, तो इसलिए इन्हें बहुत तगड़ा शौक देने का जरूरी था। और भाई ऐसा ही इस बच्ची ने मुझे बताया कि ये हम कर सकते हैं, तो मैंने प्री प्लानिंग के तहत ये किया और ये शौक दिया, और आज ये तुम्हारे सामने। आई एम डॉक्टर कुमार, मिस्टर कुमार। ओके बाय। ऐसे ही एक अच्छी बहू अपनी सासू माँ को ठीक करके गलतफहमी दूर करती है।